हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के, और ये जो वैकेंसी ये परमानेंट और फुल टाइम और रेगुलर वैकेंसीज है। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया ये डॉलर राम कॉलेज से आया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज है। और यहाँ पे देखिए, ये नोटिफिकेशन 18 नवंबर को ही रिलीज किया गया है। और ये जो असिस्ट लाइक एप्लीकेशन यहाँ पे मांगा गया है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के, और ये वैकेंसी जो है परमानेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो एकेडमिक पे लेवल है वो 10 यहाँ पे मेंशन कर रखा है, विद एंट्री पे लेवल ऑफ ₹57,700। इसके साथ आपको जो है अदर अलाउवेंस भी यहाँ पे जो है UGC दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय को जो मिलते हैं वो सारे जो है अलाउवेंस भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि 18 नवंबर को जो ये जो पब्लिकेशन है एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था, यहाँ से जो है 3 वीक्स के बाद जो है आपका लास्ट डेट है, यानी 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है आपका लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट की, कौन कौन डिपार्टमेंट वैकेंसीज को निकाला गया है। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो देखिए ऑलमोस्ट जितनी वैकेंसी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं चाहे जो भी डिपार्टमेंट, सब में यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। साथ ही यहाँ पे टोटल वैकेंसी मेंशन कर रखी है, अनरिजर्व SC ST OBC EWS PW BD, तो ऑलमोस्ट जितनी वैकेंसी सब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे रखी हैं। तो आप अपने कैटेगरी वाइज जो है और अपने सब्जेक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज जो है अपना जो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के लिए आपको जाना है http://dr.du.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ से जो है आप अपना कॉलेज अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपकी ₹500 है फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे जो है आपको ₹500 का जो है एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ मेंशन कर लेता हूँ। तो देखिए ये सब आपको क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी बिलोंग करें तो आपको रिसेंट करंट फाइनेंशियल ईयर का जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसे आपको अपलोड करना है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनके पास जो है ओरिजिनल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट होने चाहिए अलॉन्ग विद योर वैलिड फोटो आईडी। तो वैलिड फोटो आईडी के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा जो है ले सकते हैं, और आपको अपना जितने भी सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल्स है वो खुद सेल्फ अटेस्ट करने होंगे। ठीक है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है, आपका पीजी डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट इसके वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। तो आपका 55% मार्क्स जो है कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका UGC CSI UGC NET का एग्जाम भी आपका क्रैक होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास स्लेट या सेट होना चाहिए, तो अगर आपके पास UGC CSI NET नहीं है तो आपके पास स्लेट या सेट होना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने 2009 से पहले अपना PhD रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके जो PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपका PhD थीसिस को मिनिमम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने जो है वो एग्जामिन किया होना चाहिए, आपका ओपन PhD वॉइस होना चाहिए, और आपका 2 रिसर्च पेपर आना चाहिए फ्रॉम योर ओन थीसिस। इसके साथ ही साथ आपका 2 रिसर्च लाइक 2 कॉन्फ्रेंस होना चाहिए आपका फ्रॉम योर ओन थीसिस या ओन रिसर्च वर्क। ठीक है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। तो आई थिंक मैंने आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे अच्छे से बता दी है। अब मैं देख लेता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि आपका कोई डाउट इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, तो आप इन सब में जो है फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो प्योरली यहाँ पे होगा आपका API इंडेक्स फॉर्म है। तो गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज इज दिस। तो देखिए यहाँ पे जो है क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है शॉर्टलिस्ट करने का। तो देखिए आपका आपका ग्रेजुएशन में 80% अबव मार्क्स है तो आपको 21 स्कोर रहेगा, 60% टू लेस देन 80% 90, 50% टू 55 टू लेस देन 60 टू 16, 45% लेस देन 55% टू 10। ऐसे PG में भी रहेगा आपका, तो ये सारा स्कोर मेंशन कर रखा है। अगर आपके पास MPhil है और आपके 60% से अबव मार्क्स है तो आपको 7 मिलेगा,
स्कोर वहीं आपका 55% से 60% के बीच है तो 5 मिलेगा। वहीं अगर बात करें PhD आपके पास 25 स्कोर रहेगा, नेट विद GRF 10, नेट 8, रिसर्च पब्लिकेशन 6। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका मैक्सिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशन आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, रीच कैरी विल बी हैविंग 2 मार्क्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप 3 रिसर्च पेपर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम स्कोर मिलेगा वो 6 मिलेगा, ठीक है। अगर आपका टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 10 स्कोर मिलेगा, तो मैक्सिमम जो है आपका 5 ईयर्स का ही काउंट होगा क्योंकि 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर। तो अगर आपका पास 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस तो आपको 10 स्कोर मिल जाएगा कंप्लीट। अगर आपका 5 ईयर का पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस तब भी आपको यहाँ पे 10 स्कोर मिल जाएगा। वहीं अगर आपके पास इंटरनेशनल नेशनल लेवल का अवार्ड है तो आपको 3 स्कोर मिलेगा। वहीं अगर आप स्टेट लेवल से आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अवार्ड मिला है तो 2 स्कोर मिलेगा। तो देखिए MPhil पे PhD 25 मार्क्स, GRF नेट 10 मार्क्स, इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेगा। अब बात करें ओवरऑल स्कोर की तो देखिए एकेडमिक स्कोर में 84, रिसर्च पब्लिकेशन 6, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, तो टोटल स्कोर यहाँ पे आपका रहेगा 100। तो आउट ऑफ 100 जो है जिसका भी मार्क्स अच्छा होगा, इसका भी स्कोर अच्छा होगा, तो उसके बेस पे जो है ये क्राइटेरिया सेट करेंगे। उस क्राइटेरिया में अगर आपका स्कोर आता है तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ पे देखिए, आपका जो सिलेक्शन है वो टोटली API इंडेक्स के बेस पे होगा और API इंडेक्स के बेस पे आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है इस पोस्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।